नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, अप्रैल के मिड में चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि देश अगले 5 सालों तक किसके हाथों में जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी हौले हौले शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। अब इस चुनाव में दो मुख्य गठबंधन है, पहला तो एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन है, और दूसरा है इंडी गठबंधन जिसमें नेतृत्व फिलहाल कांग्रेस के पास है। अब एक और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर कोई खास बवाल नहीं है, पहले की तरह एकदम ठीक ठाक चल रहा है मामला। लेकिन दूसरी ओर इंडी गठबंधन में हर कदम पर बवाल दिख रहा है, वो ऐसे कि गठबंधन की हर एक पार्टी अपने अपने क्षेत्र अपने अपने राज्य में एक दूसरे को तेवर दिखा रही है। छोटी बड़ी हर पार्टी अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। इसका सीधा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। खामियाजा ऐसे कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियों ने एकला चलो की धुन पकड़ ली है जिसमें वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर जुबानी हमले भी कर रही है। जेडीयू के इंडी को छोड़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से साफ है कि विपक्षी गठबंधन की सीटों के तालमेल की गाड़ी आगे बढ़ना तो दूर, पहले गियर पर चलना तो दूर, सीधे रिवर्स गियर में ही दिखाई दे रही है। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए उम्मीद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है जो अब भी इंडी गठबंधन की मजबूती से पैरोकारी कर रही है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को तकरीबन दर्जन भर यानी कि लगभग 11 सीटें देने के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो तैयार है। हालांकि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इसे भीख बताया है। टीएमसी को साधना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे मुश्किल काम भी है क्योंकि ममता बनर्जी लगातार हावी हो रही हैं और वो किसी अन्य पार्टी को बंगाल में ज्यादा सीटें देने का ख्याल भी मानो उनके मन में नहीं है। बंगाल में अपने कमजोर जनाधार को देखते हुए और इसकी वास्तविकता को समझते हुए कांग्रेस बंगाल में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है, मगर ममता दीदी 2 सीटों से अधिक सीटें देने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हुई और न्याय यात्रा के दौरान राहुल के कम्युनिस्ट नेताओं के संग मंच साझा करने को आधार बनाते हुए अकेले चुनावी मैदान में जाने की घोषणा कर दी। यानी इंडी गठबंधन से लगभग बाहर होने का उनका ये इनडायरेक्टली सही लेकिन ऐलान है, जबकि इससे पहले तक ममता बनर्जी को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मंच साझा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि ममता बनर्जी सिर्फ एक बहाना ढूंढ रही थी जो उन्हें मिल गया। इस बहाने का शिकार हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तीर जाकर सीधे लगा कांग्रेस को। अब ऐसे में क्या ये चुनाव इंडी के लिए विधानसभा चुनाव जैसा हो जाएगा? वो ऐसे कि जैसे विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने एकदम लास्ट में अकेले लड़ने का ऐलान किया और अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, तो अगर ऐसा लोकसभा में भी हुआ तो इससे न सिर्फ गठबंधन टूटेगा बल्कि पार्टियों का वोट बैंक भी टूट जाएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा टूटेगा इन पार्टियों से जनता का विश्वास, जिसे जोड़ने का मौका नेताओं को सीधे 29 में मिलेगा। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, हमें अपनी राय जरूर दें, और क्या लगता है आपको इंडी गठबंधन लोकसभा तक आते आते किस स्थिति में पहुंच जाएगी, ये भी अपनी राय हमें जरूर रखें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।